और ऐसा होता है कि आपकी कंपनीज में या आपकी इंस्टीट्यूशन में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नीचा दिखाया जाए, आपको बुरा भला कहा जाए, आपके बारे में कई प्रकार की नेगेटिव चीज़ें भी बोले जाएं, आपके बॉस आपको बहुत बड़ा बुरा भला बताएंगे, आपको आपके ऊपर पर्सनली अटैक किया जाएगा, आपके प्रोफेशनलिज्म पर अटैक किया जाएगा, पर्सनली आप पे अटैक किया जाएगा। हो सकता है आप बताया जाए कि आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, प्रोफेशनली ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्योंकि ऐसी स्थिति सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे जो कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्कर है, लेबर है, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार आपको लोग नीचा दिखाएंगे, आपको लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपके कार्य की आलोचना करेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि आपके अच्छे कार्य की वजह से जो बहुत सारे जो आपके कलीग्स हैं या जो बहुत सारे आपके सीनियर हैं या सीनियर मैनेजमेंट है, उनको लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो अब इसको नीचा दिखाया जाए, इसको नीचे गिराया जाए, इसकी आलोचना की जाए और इसको खूब ज़्यादा गिराया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सतर्क रहता है, सावधान रहना है और जो हड़बड़ी में कुछ कदम नहीं उठाना है, क्योंकि जो भी कंपनी है या जो भी एनजीओ है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो बिल्कुल चाहेगा कि वो आपको बाहर निकाल दे, वो बिल्कुल चाहेगा कि कंपनी से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि आपके कार्य की वजह से जो अन्य कलीग्स हैं या आपके जो बॉस हैं या उनके बॉस, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाकी लोगों को लगता है कि ये अगर परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसके परफॉर्मेंस की वजह से हम लोग परेशानी में आ जा रहे हैं, हम लोग को काम करना पड़ रहा है। और जब हम लोग को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कंपनीज में काम करना पसंद नहीं करते, ना वो काम करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी में हो सकता है कि आपको नीचा दिखाया जाए, आपके साथ गाली गलौज किया जाए, आपके साथ भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, आपको नीचा दिखाया जाए, आपकी आलोचना की जाए, हर चीज़ में आपकी आलोचना की जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत शांत रहना है, बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि कंपनी के जो अन्य जो लोग हैं वो चाहेंगे आपको ढकेल के और ठेल के कंपनी से बाहर कर दें। तो ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा कि आप शांत रहें, गंभीर रहें, चीज़ों को समझें और अपने आपके वैल्यू को कम करके ना आके। उनका उद्देश्य ये होता है कि आपको डीमोटिवेट किया जाए, आपको डीमोरलाइज किया जाए, जिससे कि आप कंपनी से रिजाइन करके चला जाए। लेकिन आपको ये समझना होगा, कंपनी से आप रिजाइन कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके काम की वजह से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपके काम की वजह से जो लोग नहीं काम करना चाहते हैं या जो आलसी हैं या जिनके अंदर उतनी क्षमता नहीं कि काम कर सकें, वो लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप जो है इस कंपनी में रहें। तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा गणित को समझने का प्रयास करिए कि जो है कंपनी में जो लोग काम नहीं करते हैं और जो लोग काम करते हैं, तो जो लोग नहीं काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो इनको हमेशा हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके साथ बहुत गलत हो सकता है, आपके साथ गंदी राजनीति हो सकती है, आपके खिलाफ़ कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और थोड़ा दिमाग से काम लें।